पूरे लद्दाख में अब तक 18 पॉजिटिव केसेस आए थे, जिसमें से अब सिर्फ 4 ही शेष बच गए हैं, जिसमें एक जो है कारगिल का है और 3 हमारे ले में है। आपको ये भी जानकारी होगी कि जो लद्दाख का पहला हमारा इंडेक्स केस था, जो कि काफ़ी टाइम से ठीक नहीं होते, वो भी कल सोनम नुर्गो मेमोरियल हॉस्पिटल ले से डिस्चार्ज हो गए हैं। कल हम लोगों ने करीब 18 सैंपल्स रिसीव किए हैं, जिसमें से हमारे अभी फिलहाल जो कि 2 केसेस है, एक ले का एक कारगिल का जो पॉजिटिव केसेस है, उनके सैंपल्स का सेकंड रिजल्ट था जो कि नेगेटिव आया है। पहला पॉजिटिव था, अब सेकंड नेगेटिव आया है। कंटिन्यूसली अगर तीसरा उनका सैंपल भी नेगेटिव आता तो दोनों पेशेंट्स को हम डिस्चार्ज कर देंगे। कल हम लोगों ने करीब 100 सैंपल्स भेजे भी हैं और लगभग 200 सैंपल्स का जो है रिजल्ट अभी आना शेष है, जिसमें से ज़्यादातर ले के साबू के और छुशुक योकमा के हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ के संबंध में आपको बताना चाहेंगे कि आज हम लोगों ने चंडीगढ़ से एयर कार्गो से करीब 8 टन दूध मंगवाया है और 3.5 टन जो है हम लोगों ने अंडे मंगवाए हैं, और दिल्ली से सब्जी आए हैं करीब 26 टन और चिकन आया है करीब 6 टन। पूर्व में भी हम लोगों ने आपके सामने ये बात रखा था कि इन जो सामग्री है इनका वितरण हम दोनों हेल्थ काउंसिल, जो कि लद्दाख कॉटन मसल डेवलपमेंट काउंसिल ले और कारगिल है, उनके माध्यम से और दोनों डीसीज के माध्यम से हम लोगों में बंटवाएंगे।